अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने की चेन्स को घर पे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला की चेन बना रही हूँ वो यहाँ पे मैं पॉम्पॉम और टसल की मदद से बनाऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक सुई में डबल तार धागा डाल लेना है और इस तरीके से एक टसल सिंपल थ्रेड का जो टसल होता है वो रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे आप ऊन का भी बना सकते हैं टसल, जो भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बनाना चाहे बना सकते हैं। तो उसके अंदर से इस तरीके से ये मल्टी कलर के वुडन बीड्स ले लिए हैं और वो इस तरीके से कुछ छोटे लिए हैं, कुछ बड़े लिए हैं, तो वो तीन डाल लिए हैं। उसके बाद ये पॉम पॉम है और टसल और पॉम्पम बनाना मैं पहले सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ज़रूर देखिएगा और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे देखें, दो पॉम्पम डाले हैं, एक मल्टी में डाल लिया है, दो कलर में डाल लिया है और एक सिंपल कलर में। उसके बाद फिर से दो बीड्स डालेंगे इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं दो छोटे डाले हैं और दरमियान में एक थोड़ा सा बड़ा बीड्स डाला है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी बीड्स ले सकते हैं, जिस भी कलर कंट्रास्ट में आपको बनाना हो बना सकते हैं। यहाँ पे जो की चेन की जो रिंग होती है, जो सिंपल रिंग मिलती है वो ले ली है। वो बहुत इजीली किसी भी शॉप से आपको अवेलेबल होगी, आप ले सकते हैं ये रिंग्स और उसको इस तरीके से गुजार के यहाँ पे इसको अच्छे से पक्का करके नॉट लगा लेंगे तो हमारा ये की चेन बहुत ही स्टाइलिश सा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉम्पम बनाना मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। सिर्फ पॉम्पम दो यूज़ किए हैं, वुडन बीड्स यूज़ किए हैं और एक टसल यूज़ किया है। तो इस तरीके से डिज़ाइन करके इसको बना लिया है और की रिंग यूज़ की है यहाँ पे और हमारा की चेन हो चुका है रेडी। तो देखिए फर्स्ट वाला हमारा की चेन बनाना कितना आसान था और बनने के बाद ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। चलिए जी नेक्स्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट में भी ये पॉम्पॉम ले लिया है और एक टसल ले लिया है और इसमें हमने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो सुई में, एक मोटी सुई में हम लोगों ने डबल तार धागा डाला है और उस तरीके से नॉट लगा के टसल के अंदर से गुजार लेंगे। उसके बाद इसमें भी वुडन बीड्स डालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे वुडन बीड्स थोड़े ज्यादा लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, तकरीबन 6 वुडन बीड्स डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉम्पॉम डालनी है। सेम यही पॉम्पॉम मैंने बनाना अपनी पिछली वीडियो में सिखाई थी ग्रीन कलर में, अगर आप वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उसके बाद दोबारा से इस तरीके से बीड्स डाल लेंगे इसमें, वुडन बीड्स कुछ छोटे डालेंगे, कुछ बड़े डालेंगे, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप डिजाइन करके इसको डाल सकते हैं। उसके बाद की रिंग ले लेंगे यहाँ पे और इस तरीके से उसके अंदर से गुजार के यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे। तो देख सकते हैं दूसरा भी की चेन हो चुका है हमारा रेडी और इसको बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। इस तरीके से आप अपनी मर्जी के कलर कंट्रास्ट में बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये दोनों हो चुके हैं हमारे रेडी। और चलिए अब नेक्स्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट के लिए भी दो टसल्स ले लिए हैं यहाँ पे और इस तरीके से, अगर आप ये ऊन बारीक ऊन के बनाना चाहते हैं ऊन के बना सकते हैं, टसल अगर सिंपल थ्रेड के बनाना चाहते हैं थ्रेड के बना सकते हैं, अगर रेशमी थ्रेड के बनाना चाहते हैं रेशमी थ्रेड के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद फिर मल्टी वुडन वुडन बीड्स ले लिए हैं यहाँ पे, येलो और ऑरेंज कलर में और ब्लू कलर में भी लिए हैं। इस तरीके से इसमें डाल के तकरीबन 6 से 7 इसमें डाल लिए हैं और उसके बाद इसको कट कर देंगे थ्रेड को, फिर से थ्रेड को नॉट लगाएंगे और दूसरे टसल के अंदर से इस तरीके से गुजारेंगे और इसमें हम लोग कुछ ब्लू कलर के वुडन बीड्स डालेंगे। थोड़े से बड़े वाले भी लिए हैं, छोटे वाले भी लिए हैं, उनको मिक्स एंड मैच करके इसके अंदर यूज किया है हमने। ये देखें, इसको भी इस तरीके से, इसको भी थ्रेड को कट करके रख देंगे। ये दो हमारी रेडी हो गई और अब हम थर्ड वाली भी रेडी कर लेंगे। इसमें भी हम वुडन बीड्स डाल लेंगे। उसके बाद आगे इसके नॉट लगाएंगे इस तरीके से, दो नॉट लगाए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद फिर से हम लोग इसमें बीड्स डालेंगे,
ये देखें इस तरीके से। अब हमारी ये जो तीनों लड़ियां हैं, इस तरीके से इन तीनों के थ्रेड को आपस में पकड़ते हुए यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे, और उससे पहले हम लोग एक इसमें वुडन बीड्स डालेंगे। तीनों के जो थ्रेड हैं उनको एक साथ आगे से रोल किया है और उसके अंदर से हम लोग यहाँ पे एक वुडन बीड्स गुजारेंगे। वो तीनों डोरियों में जो कंबाइन हो गए, यहाँ पे देखें इस तरीके से इसको कंबाइन करेगा, उसके बाद हम इसकी नॉट लगा देंगे। यहाँ पे तीनों जो उसकी थ्रेड थे, तीनों की लड़ियों के जो थ्रेड थे, उसको तीनों थ्रेड को पकड़ के हम लोगों ने एक वुडन बीड्स डाला है, और उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को पकड़ के इस तरीके से एक से दो नॉट लगा दी हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से नॉट लगानी है। यहाँ पे आपने यहां से दो से तीन नॉट लगा के यहाँ पे इस तरीके से ये बना लिया है। आगे से हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट कर देंगे और नॉट को रहने देंगे। अब इस जो हमने सुई में फिर से धागा ले लिया है, डबल तार धागा डाल लिया है, अब आगे नॉट लगा देंगे हम इस धागे के। और उसके बाद ये जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे नॉट बनाई थी और एक जो हमने लगा वुडन बीड्स डाला था, उसके अंदर से इस तरीके से गुजारेंगे सुई को। और यहाँ पे देखें इस तरीके से ये तीनों लड़ियाँ अच्छे से कंबाइन हो गई हैं। उसके बाद हम फिर से इसमें वुडन बीड्स डालेंगे। कुछ ब्लू कलर के डालेंगे, कुछ येलो एंड ऑरेंज कलर के। उसके बाद हम लोग यहाँ पे की रिंग को लेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग की रिंग किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहे तो आपके घर में कोई एक्स्ट्रा की चेन पड़ा होगा जिसका की चेन जो है वो ख़राब हो चुका होगा, उसका ये की रिंग आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही स्टाइलिश से इस तरह के की चेन्स रेडी कर सकते हैं। यहाँ देखें ये भी बहुत ही स्टाइलिश से हमारा कीचेन हो चुका है रेडी, और देख सकते हैं इस तरीके से ये कितना जबरदस्त लग रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट बना लेते हैं। फिर से हमने ले लिया है टसल और इसके अंदर से इस तरीके से सुई को गुजारा है, और उसके बाद हम लोग इसमें वुडन बीड्स डालेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ पॉम्पॉम टसल और वुडन बीड्स जो है उनका यूज किया है, और सिंपली उससे की चेन बनाना आपको सिखाए हैं कि इस तरीके से आप किस तरीके से कैसे बहुत ही यूनिक बना सकते हैं। यहाँ पे देखें इसमें कुछ बीड्स डालने के बाद उसका थ्रेड कट कर दिया है। अब दूसरे टसल में भी इसी तरीके से हम लोग बीड्स डालेंगे। आप भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बीड्स डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डालने हैं ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम डालने हैं कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एक वुडन फ्लावर भी ले लिया है बहुत ही क्यूट सा, वो भी इन बीड्स के अंदर डाल लिया है। उसके बाद फिर से हम बीड्स डालेंगे और फिर एक और फ्लावर डालेंगे। वुडन बीड्स और ये फ्लावर जो है वो आपको बहुत ही ईजिली किसी भी जरी की शॉप से मिल जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं। अब इन दोनों लड़ियों को इस तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने थ्रेड कट नहीं किया है, यहाँ से सुई कट नहीं की है इसकी, और ये जो दूसरे वाला धागा था उसको हम कट कर देंगे, दूसरा जो हमने इसके साथ लड़ी अटैच की है उसके एक्स्ट्रा धागे को, और ये जो सुई वाला है ये भी रहने देंगे और उसमें और वुडन बीड्स डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से दो तीन वुडन बीड्स डालने के बाद फिर की रिंग ले लेंगे और यहाँ पे हम इसके जो थ्रेड को पक्का कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ भी देख सकते हैं ये भी एक बहुत ही स्टाइलिश सा हमारा की चेन हो चुका है रेडी। इस तरीके से आप किसी भी कलर कंट्रास्ट में डिजाइन कर सकते हैं अपने की चेन्स को, और बहुत ही कम टाइम में। टसल बनाना बिल्कुल भी घर पर मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं बनानी है तो ये पॉम पॉम और टसल जो है बाजार में बने बनाए भी बहुत ही अच्छे अच्छे अवेलेबल होते हैं, आप बने बनाए भी ले सकते हैं और इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियोस, ये सारे किचन्स आपको कैसे लगे हैं और ये वीडियो कैसे लगे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अगेन फिर हाजिर होंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।